देश की महिलाएं अपने हक और हित को लेकर तेजी से जागरूक हो रही हैं। लोकसभा चुनाव में भी महिला वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे में ये जानना अहम है कि आखिर देश की महिलाएं सरकार से चाहती क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं। फिक्की की कॉन्फ्रेंस में हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने यही जानने की कोशिश की। टीएनबीसी आवाज पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के लिहाज से नई सरकार का क्या एजेंडा होना चाहिए। आज हम बात करेंगे महिलाओं की, देश की महिलाएं नई सरकार से क्या चाहती है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम महिलाएं यहां पर मौजूद है। शुरुआत करेंगे नीता भूचरा जी से। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट है, काफी काम करती रही है महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर। मैम आपसे जानना चाहेंगे नई सरकार के लिए किस तरह का एजेंडा होना चाहिए ताकि महिलाओं की स्थिति को और भी ज्यादा बेहतर किया जा सके। महिलाओं की पूरी ओवरऑल प्रगति के लिए सरकार को काम करना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन बिल पास होना चाहिए, उनकी एजुकेशन और ओवरऑल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा मिले, ये हमारा होना चाहिए। मैम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से मैम ने बोला है कि विमेन रिजर्वेशन बिल लंबे समय से पेंडिंग है, आपको लगता है कि अब जो सरकार आए उसे प्रायोरिटी के तौर पर इस बिल को पास कराना चाहिए? रिजर्वेशन बिल तो पास कराना ही चाहिए, पर उसके साथ जो अब जो भी नई सरकार आए उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है महिलाओं की सुरक्षा की। सड़क पे महिलाएं सुरक्षित अगर नहीं चल पाएंगी तो वो 33% बिल कुछ कर नहीं पाएगा। बिल्कुल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न। मैम आपसे जानना चाहेंगे क्या एजेंडा होना चाहिए नई सरकार का महिलाओं के लिए? सिक्योरिटी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देना चाहिए और जो सारे शहरों में गंदगी है उसको मिटाना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप क्या चाहती हैं, क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए जो आते ही सरकार को उस पर काम करना चाहिए? आज की डिबेट बहुत महत्वपूर्ण रही है और सबने जो सबने कहा है is stands priority, but it was rightly said कि हमें प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ेंगे क्योंकि जब तक हम प्रेशर ग्रुप्स नहीं क्रिएट करेंगे हमारी सुनवाई बहुत कम है। जो बिल्कुल हर किसी की अपनी डिमांड है, उम्मीद यही की जा रही है कि जब नई सरकार आएगी जिस तरह से दूसरे सेक्टर्स पर ध्यान देगी उसी तरह महिलाओं की जो अभी स्थिति है उसे बेहतर करने के लिए भी कारगर कदम उठाएगी। दीपाली नंदा, दिल्ली।